I have with me Harsh Sanghvi, the Minister of State, Home for Gujarat Government. Sir, as the cyclone comes close by, you are yourself on a hospital round right now. What is the situation at present? देखिए, जिस प्रकार से बाइपरजोई तूफान को मद्देनजर रख के पिछले 5 दिनों से जिला प्रशासन द्वारा जो समंदर के तट से जुड़े हुए जो 5 किलोमीटर की रेंज में 38 गांव आ रहे हैं और 10 किलोमीटर की रेंज में जो 44 गांव आ रहे हैं, सो कुल मिला के ये गांवों के जो निचान वाले क्षेत्र हैं, जिनके कच्चे मकानों में जो लोग रह रहे हैं, जिनके घर छपरों से बने हुए हैं, ऐसे 5,535 लोगों को कल शाम को 4 बजे तक हमने सरकार द्वारा कोस्टल एरियाज में, खास तौर पे जहाँ साइक्लोनिक इफेक्ट लगातार आती रहती है, वहाँ पे ये इफेक्ट को सह पाए उस प्रकार के शेल्टर हाउसेज बनाए हैं। ये शेल्टर हाउसेज में 5,535 लोगों को शिफ्ट किया गया है। उसके अलावा अस्पताल में कुल मिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट में 138 प्रेग्नेंट वुमन जो है, जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड 20 तारीख पहले है, ऐसे सभी पेशेंट्स को हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया है। उनके रिलेटिव्स को भी यहाँ पे रखा गया है। उनकी सभी प्रकार की व्यवस्था हमने यहाँ की है, जिसके कारण उन्हें कोई भी इमरजेंसी में, अगर पानी भर चुका है, अगर तूफान चल रहा है, ऐसे इमरजेंसी में उन्हें कोई लॉस ना हो, उसके लिए हमने प्रिकॉशनरी उनको पहले से यहाँ पे शिफ्ट किया है। सभी प्रकार की तैयारियों के साथ साथ तूफान आएगा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, बिजली के खंभे, टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था, ये सब उससे असर हो सकती है। बिजली के खंभे टूटेंगे तो उसको कितने टाइम में रिस्टोर किया जाएगा, पहला प्रेफरेंस हमारा क्या होगा, वो प्रेफरेंस को कैसे हम काम कर पाएंगे, ये सभी प्रकार की व्यवस्था भी हमने की है। साथ ही में यहाँ पे यही डिस्ट्रिक्ट में कोस्टल का बहुत ही बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, कोस्ट गार्ड्स का, नेवी का, BSF का भी, ये सभी एजेंसीज का समय कोई एक ही गांव में बर्बाद ना हो, उसके लिए सबको पहले से अलग अलग गांव की जिम्मेदारी दी है। कुल मिला के 73 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे कैसे खुला रहे, जिसके कारण यातायात कोई डिस्टर्ब ना हो, उसकी भी व्यवस्था की गई है। सभी को अलग अलग किलोमीटर्स की जिम्मेदारी दी है। जब तूफान आएगा तो जैसे ही वो थमेगा तो सबको अपने अपने किलोमीटर्स के अंदर सर्वे करना है, और अगर पेड़ गिरे हो तो उसको कट करके कैसे रास्ता निकालना है, ये व्यवस्था, सबकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो और सभी जगह पे ये सेवाएं मिलती रहे, ऐसी व्यवस्था की गई है। सर, अभी जानकारी क्या है गुजरात सरकार के पास के लैंडफॉल जब होगा तब क्या परिस्थिति रहेगी? देखिए, ये जानकारी केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से हर रोज 3 बार सभी को दी जा रही है। आज सुबह ही मुख्यमंत्री जी ने फिर से एक बार बैठक ली है, प्रधानमंत्री जी ने परसों बैठक ली, प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य सरकार के साथ सीधे संपर्क में रहकर यहाँ पे जो कुछ व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था मिल रही है। साथ ही में जिला इकाई तक संपर्क में है। ऐसे ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी कल बैठक ली। बैठक में उन्होंने जीरो कैसुअलिटीज कैसे हो पाएगी, कैसे लोगों को बचाया जाए, उसके लिए पूरा मार्गदर्शन दिया है और वही मार्गदर्शन से हम लोग काम कर रहे हैं। कल शाम तक 22 जितने और आज सुबह तक 100 जितने बिजली के खंभे ये डिस्ट्रिक्ट में टूटे हैं, वो सभी को रिस्टोर करने की कामगिरी चल रही है। कुल मिला के हम लोग ने सभी व्यवस्था की है। देखिए, आप अभी भगवान द्वारकाधीश के चरणों में खड़े हैं, भगवान सोमनाथ जी बाजू में हैं, भगवान द्वारकाधीश और सोमनाथ जी के हमेशा आशीर्वाद बने रहे हैं। नागरिकों को सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं को अगर वो पालन करेंगे तो भगवान द्वारकाधीश और सोमनाथ जी के आशीर्वाद से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर जहाँ जहाँ नुकसान हुआ तो उसको हम लोग वापस रिस्टोर करने के लिए पूरे तरीके से हम लोग तैयार हैं और हमने तैयारी कर ली है। क्या कुछ बंद रखने का प्रबंध किया गया है, अनाउंसमेंट कुछ है, स्कूल्स बंद, ऑफिसेज बंद या ट्रैवल के लिए हिसाब से कुछ एडवाइजरी? बट ऑब्वियसली ये साइक्लोन इफेक्टेड जो एरियाज है उसमें स्कूल्स, ऑफिसेज, ये सब चीजें आज दोपहर के बाद से लेकर 16 तारीख तक जो माहिती हमने सभी एसोसिएशंस को दी है वो लोग सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने आने वाले सभी दर्शनार्थियों से भी विनती की है कि आप 14 से 16 तक अगर भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने आने वाले हो तो आप आपका प्लान रिशेड्यूल करके 16 के बाद अगर आओगे तो जो प्रशासन है उनकी जो जिम्मेदारी है वो अच्छी तरह से निभाने के लिए वो टूरिस्ट को संभाले या गाँव को संभाले, तो हमारी अब सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी अभी ये छोटे छोटे गांवों को संभालने की है।
और हम ये जिम्मेदारी अदा करने के लिए हमारी टीम पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, अधिकारी से लेकर कर्मचारी रात दिन एक करके लोगों की सेवा में लगे हैं, उनको बचाने के लिए लगे हैं। तूफान से पहले भी सरकार एवं सरकार के सभी कर्मचारी लोगों के साथ है, तूफान के बाद भी ये सभी का जीवन हम नॉर्मल करके सब रिस्टोर करके यहाँ से जाएंगे।